बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें फाइटर न्यूज को और प्रेस करें बेल आइकन को। नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। इस वक्त का जो समाचार आ रहा है वो है श्री गंगानगर से, जहां अब तक कोरोना से बचाव रहा, वहीं आज कोरोना पॉजिटिव रोगी मिलने से प्रशासन सख्ते में आ गया। राजस्थान के श्री गंगानगर जिले में पहला कोरोना पॉजिटिव मामला आ गया है। दिल्ली से आए युवक जांच के दौरान कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। रिपोर्ट प्राप्त होते ही श्री गंगानगर जिले के प्रशासनिक और स्वास्थ्य अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। पूरे इलाके को सील करने की कार्रवाई आरंभ कर दी गई है। CMHO डॉक्टर गिरधारी लाल मेहरड़ा व PMO डॉक्टर KS कामड़ा ने बताया कि बसंती चौक के पास स्थित ब्रह्मा कॉलोनी का एक युवक 2 दिन पहले दिल्ली से श्री गंगानगर आया था। सूचना मिलने पर उसको क्वारंटाइन करते हुए उसका सैंपल लिया गया था। श्री मेहरड़ा ने बताया कि सैंपल की रिपोर्ट आज शाम को करीबन 7 बजे प्राप्त हुई है। उसमें युवक को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। युवक की आयु करीबन 31 साल है। उसको जिला अस्पताल में भर्ती कर लिया गया है। युवक के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने की खबर मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। इलाके को सील किया जा रहा है। परिवार के सदस्यों को भी क्वारंटाइन किया जा रहा है। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए। Once again.